अभी 3-4 दिन लेह लद्दाख में बिताने के बाद एक बात तो मेरे को समझ में आ गया कि लोग जितना बोलते हैं कि जून जुलाई के महीने में बहुत ठंड रहती है, उतना है नहीं। बट कमिंग टू द मेन पॉइंट, टुडे वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द स्टनिंग पैंगोंग लेक, बट इट्स वेरी हार्ड टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी एट नुब्रा वैली, दैट इज ससारला नुब्रा। तो नुब्रा से पैंगोंग की दूरी हम लोग 5 घंटे में कवर करने वाले हैं, राइट? अगर ग्लेशियर की वजह से धूप है बहुत ज़्यादा, अगर वहाँ पे ग्लेशियर गल गया तो मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, रास्ते में पानी हो सकता है। एग्जैक्टली, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा तो हम लोगों को ले जाना पड़ेगा, वहाँ से वापस आने का पड़ेगा, मतलब बहुत मुश्किल है। ऐसा मत बोलो, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। तो आप भी अगर आओगे तो जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करना, एटलीस्ट आज के लिए। तो बाकी ये क्या है कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, मैंने भी वही कहा, यहाँ मंजिल भी खूबसूरत है, सफ़र भी खूबसूरत है, तो एंजॉय। लेट्स गो। भाई मेरा हालत देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि रास्ते का हाल क्या था। रास्ते पे कुछ नहीं था बेसिकली, पूरा रास्ता कच्चा था और बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा था। पैंगोंग जाने के लिए अभी आधे ही रास्ते हम लोग कवर किए थे और सबका हालात बहुत नाजुक है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द AMS, इट्स बिकॉज ऑफ द जो रास्ता हम लोगों ने फेस किया अभी। ये अगर पहले पता होता कि हम लोग इतना खराब रास्ता फेस करने वाले हैं तो शायद पैंगोंग का प्लान ड्रॉप कर देते। पर चलो कोई नहीं, इतना दूर आ गए तो और भी आधा रास्ता कवर कर लेंगे। इतना खराब रोड कहीं नहीं देखा मैंने, साला रोड है ही लद्दाख रोड के लिए, रोड है ही नहीं, रोड कहाँ है। तो पैंगोंग जाने के रास्ते पे इतना लंबा ट्रैफिक है, अभी सब लोग वेट कर रहे हैं कब ट्रैफिक खुलेगा। एंड साइड बाय साइड आप देख सकते हो यहाँ पे पिकनिक भी चालू है। आप लोगों को पता है ना टाइम लगेगा, उसके लिए यहाँ पे खाना चालू कर दिया, यही है। खाएंगे फिर उतना टाइम तो लगेगा मिनिमम खुलने में। चावल और क्या जी? चावल और आलू जी, मतलब मिनिमम 2 घंटा जी, 2 घंटा खाना वाना खाएंगे आराम से, थोड़ा आराम भी कर देंगे यहाँ पे, फिर जाएंगे। भाई बोलना है कुछ नहीं, बस अगर आप सोच रहे हो लद्दाख आने से पहले लद्दाख का रूट बहुत ही कूल स्वैगी टाइप है, एंड यू आर टोटली रॉन्ग। मैं आप लोगों को रियल फैक्ट दिखा रहा हूँ। अभी ये ग्लेशियर का पानी में पूरा ट्रैवलर फंस गया है, इतना लोग मिलकर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हालत देखो, और उसके वजह से पीछे इतना लंबा जैम लगा हुआ है। थोड़ा सुबह जितना हो सके जल्दी जल्दी निकलो, क्योंकि ज्यादा आप लेट करोगे ना तो ये धूप के वजह से पूरा ग्लेशियर का पानी से पूरा रास्ता भर जाता है, और उसी के वजह से सामने जो आप सिचुएशन देख रहे हो कुछ ऐसा सिचुएशन होने वाला है। सब लोग मिलके इसको रास्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रैवलर को आगे का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह सुबह निकलने के बाद बोल रहे थे ना कुछ फायदा नहीं होता, सेम सिचुएशन फेस करना होता। जब भी आप पैंगोंग जाओगे थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करो, क्योंकि जितना धूप बढ़ेगा उसके साथ ये ग्लेशियर का पानी ऊपर से मेल्ट होते हुए नीचे आएगा और पूरा रोड जो है ना वो पूरा पानी से भर जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कॉन्सिक्वेंसेस यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर आइज। अभी ये कब खुलेगा कुछ अता पता नहीं, उधर से भी गाड़ी रुका हुआ है। ये जब खुलेगा रास्ता उसी टाइम पे पीछे का सारे इनोवा ट्रैवलर जितना भी गाड़ी है सब जा पाएंगे। अभी प्रेजेंट सिनेरियो कुछ ऐसा है, ट्रैवलर तो निकल गया, अभी आगे जाके गाड़ी ना फंसे उसी के लिए रास्ते के ऊपर ये सारे ब्रांचेस वगैरह ये लोग फेंक रहे हैं। बहुत ही टफ जॉब है भाई यहाँ पे गाड़ी चलाना।
अभी एक और मारुति गाड़ी यहाँ पे फंस गया, ज्यादा हीरोपंती दिखाने के चक्कर में फंस गया गाड़ी। ज्यादा हीरोपंती दिखा रहा था। Good to see, like every people here are trying their level best to rescue this traveler so that everyone can go towards Pangong. But लग नहीं रहा है कि एक घंटा दो घंटे मिनिमम लगने वाला है, राइट? नहीं, हाँ शायद ये मतलब कोई प्रॉपर सोल्यूशन है नहीं, तो मैन पावर लाके ही हम लोग को क्लियर करके जाना है Pangong. So it's like a part and parcel of mountain life. Can't help. So we are stuck practically in the middle of nowhere and we aren't reaching Pangong today, so we are planning to prepare a meal today. The first step to prepare a meal is to create a fire. That's what I'm trying to do, going back to our ancient old age roots. Let's see till which time till we get the fire created, then only we can prepare a meal. अभी सब गाड़ी ठीक ठाक से पास हो रहा है, ये देखो पास हो गया, एक एक करके सभी गाड़ियों को पास करवा रहा है, ये देखो एक और पास। हम लोगों का नंबर बहुत पीछे है, अभी आने में टाइम लगेगा। पिछले फुटेज में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों का 4 घंटा वहां पे वेस्ट हुआ, फुटेज तो आप देख ही चुके होके। तो अभी यहां से Pangong और 35 किलोमीटर, तो लग नहीं रहा है कि आज शाम को मैं Pangong का व्यू का नज़ारा हम लोग देख पाएंगे, बट ठीक है चलो कोई नहीं, बिकॉज Pangong के सामने हम लोगों का रहने का इंतजाम हुआ है, तो कोशिश करेंगे कल सुबह आके Pangong का व्यू आप लोगों को दिखाने के लिए। Want to see a miracle? अभी टाइम हो रहा है 7:15 PM एंड हम लोगों का किस्मत देखो, Pangong लेक क्लियरली विजिबल है। हम लोगों को पता नहीं था कि इतना सारा डे लाइट रहेगा इवन एट 7:20 PM। इट्स सुपर ब्यूटी, ब्यूटी, एब्सोल्यूट ब्यूटी, स्पीचलेस। 4 घंटे का वहाँ पे ट्रैफिक जाम पे हम लोग अटके हुए थे, उसके बाद आके अगर ये व्यू मिलता है ठीक है चलो, इट्स वर्थ। ये लेक का कलर फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन टू रेड टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अभी आपको वीडियो पे ब्लू कलर दिखेगा, जब कलर सुबह जब आओगे ना तो उसका कलर कुछ अलग दिखता है, डिपेंडिंग ऑन द स्काई कलर ऑल्सो, वो रिफ्लेक्शन यहाँ पे विजिबल होता है उसके हिसाब से। जस्ट नाउ वी हैव अराइव्ड हियर नियर बाय द Pangong लेक एंड आई डोंट थिंक आई हैव सीन अ मोर ब्यूटिफुल स्काई कलर देन दिस, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मैन। पीछे आप लोग देख सकते हो जो पहाड़ के पीछे रिफ्लेक्शन है ना लाइट का, इट्स समवेयर क्लोज टू ऑरोरा, जो कि नॉर्दर्न लाइट्स हम लोग बोलते हैं। ऑरोरा तो नहीं है ऑब्वियसली, बट वो जैसा लग रहा है, जैसा रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे ना हो तो आपका लद्दाख ट्रिप तो इनकम्प्लीट होगा। इसका ऑल्टीट्यूड है 14,270 feet एंड इसका जो लेंथ है, मोस्ट ऑफ द पार्ट तो चाइना में है, मोर देन 60%, इंडिया में 40% है। इसका जो लेंथ स्ट्रेच इट इज़ अराउंड 12 किलोमीटर एंड इसका जो पानी है इट इज़ सॉल्टी वाटर, दैट इज़ ब्लैकिश वाटर, तो उसी के लिए इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर एनी काइंड ऑफ एक्वा एनिमल टू सर्वाइव हियर।
इट्स 7:45 PM इन द इवनिंग. अभी जाकर लग रहा है शाम हो गया है. एंड लुक एट दिस ब्यूटिफुल व्यू. स्काई का कलर भी चेंज हो गया है. तो एट पैंगोंग वी गॉट दिस ब्यूटिफुल स्नो पाइन रिसोर्ट. रिसोर्ट तो नहीं बोल सकते इसको, कॉटेज ही बोल सकते. और ये है हम लोगों का रूम. व्यू देख लो. इधर दो लोगों के लिए अलॉट हुआ है. काफी नीट एंड क्लीन स्पेसेस रूम है. इसका खासियत मेरे को ये लगा, बाहर आप बैठ के पूरा व्यू का लुफ्त उठा सकते हो. अभी जस्ट शाम हुआ. हम लोग सुबह भी पैंगोंग लेक के साइड पे जाएंगे और उधर से पूरा ये जगह का 360 की व्यू आप लोगों को दिखाएंगे. When I woke up early in the morning today here at Pangong, it was raining. But chalo koi nahi, abhi weather is pretty clear and we are all set ready to go to the Pangong on the downside. भीड़ थोड़ा कम लग रहा है. चलो भीड़ जितना कम होगा उतना अच्छा होगा. थोड़ा बहुत बादल है इस तरफ. यहाँ का वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी चेंज होता रहता है. चलो चलो उधर बारिश हो रहा है, जल्दी से उठो. मैं रात 2 बजे भी उठा था. मैं सुबह 6 बजे उठ के सनराइज भी देखा, 5:30 बजे उठ के. दिस इज द रिसोर्ट वेयर वी आर स्टेइंग एट पैंगोंग, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ब्यूटिफुल पैंगोंग व्यू. रिसोर्ट का नाम है स्नो पाइन. एंड इसका जो कल हम लोग का डिनर था बहुत ही खास था, बिकॉज इतना कुछ इतना हाई ऑल्टीट्यूड पे ये लोग सर्व कर रहा था, तो वही हम लोगों के लिए बहुत था. एकदम पैंगोंग के सामने व्यू, स्नो पाइन पैंगोंग. थोड़ा कॉस्टली है बट वर्थ है. ये पैंगोंग में जितना भी छोटा छोटा कॉटेजेस रिसोर्ट वगैरह है, यहाँ पे शाम को 7 PM to 11 PM ही ओनली इलेक्ट्रिसिटी रहता है. ठीक है, तो आप उस टाइम पे अपना जितना हो सके गैजेट्स वगैरह चार्ज कर लो. और मॉर्निंग पे यहाँ पे बिजली नहीं रहती है, तो आपको साथ में पावर बैंक एक्स्ट्रा बैटरीज रखना पड़ेगा इफ यू डोंट वॉन्ट टू मिस आउट दिस अमेजिंग व्यू. तो अभी यहाँ पे बारिश चालू है एट पैंगोंग. इट्स रेनिंग हेविली. यहाँ का वेदर मैं वही बोल रहा था बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी बारिश होता रहता है. अभी 2-3 दिन पहले बोल रहे थे कि लगातार 2-3 दिन से बारिश चल रहा था. फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी व्हेन द रेन विल स्टॉप, देन वी कैन गो ऑन द डाउन साइड. अभी बारिश रुक गया है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पैंगोंग लेक. मॉर्निंग का व्यू भी देख लो, थोड़ा बहुत बादल है, बारिश होने का चांसेस है. अभी हम लोग वो जगह पे हैं जहाँ पे 3 इडियट्स का क्लाइमैक्स सीन शूट हुआ था. ये योलो स्कूटर देख के तो आपको वो सीन याद आ रहा होगा कि करीना कपूर चल के आ रहा था स्कूटी पे, तो वो वाला सीन. एंड ये भी 3 इडियट्स का वही आइकॉनिक फोटो फ्रेम है. बॉलीवुड का बहुत सारा मूवी का शूटिंग ये पैंगोंग लेक पे हुआ है, लाइक सनमड़े, दिल से, आपका हीरोज, जब तक है जान. बट 3 इडियट्स मूवी का जो क्लाइमैक्स सीन था ये पूरा जगह पे. उसके बाद ये पैंगोंग और लद्दाख का टूरिज्म को अलग ही बूस्ट मिला. दिस इज काइंड ऑफ पिक्चर पॉइंट जहाँ पे सब लोग फोटो उठाते हैं. एंड दिस इज़ नॉट फॉर फ्री, यहाँ पे पेड फोटो यहाँ पे उठाना पड़ता है. ये जब तक है जान का वो ही रॉयल एनफील्ड लिखा भी है. और मैं यहाँ का प्राइस भी बोल देता हूँ, अगर आप ये स्कूटर पे बैठना चाहते हो ₹50 per person. ये वाला फोटो फ्रेम के लिए ₹40 per person. सो लाइक दिस सबका अलग अलग चार्ट है. यहाँ पे पूरा ऐसे ही चलता है, पूरा बिजनेस बना के रखे हैं ये लोग. अभी 3 इडियट्स का वो आइकॉनिक सीन, ये लोग का फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे. वही पीला वाला स्कूटर. तुम करीना कपूर खान नहीं हो, ठीक है, उसके हिसाब से पोज मारो. सरप्राइजिंगली देयर इज नो क्राउड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द पैंगोंग लेक, विच इज़ वेरी रेयर सीन आई बिलीव. मे बी वेदर आज उतना अच्छा नहीं है, उसी के लिए लोग यहाँ पे इतना दूर तक चल के नहीं आए, सब ऊपर पे ही फोटोशूट कर रहे हैं. And it's very windy. Very windy, that's right.
से हम लोग व्लॉग को रैप अप कर रहे हैं। आई होप यू गाइस आर रियली एंजॉय दिस एंटायर पैंगोंग व्लॉग। सब कुछ अभी ठीक ठाक खत्म हुआ, अभी वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स हैनले। और आने के टाइम पे आप लोग देखा ही था कि कैसे वी आर स्टक एट नोवेयर, पर चलो फिंगर्स क्रॉस्ड एवरीथिंग वेंट वेल। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब माय चैनल द पॉन्ग वेफेयरर टू स्टे ट्यून्ड फॉर आवर अपकमिंग व्लॉग इन लद्दाख सीरीज। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एज आई एम रॉय 92। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून विथ एट अनदर एक्साइटिंग व्लॉग ऑफ लद्दाख सीरीज। बाय बाय।